सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। आरबीआई के 2000 के नोट बदले जाने की शुरुआत आज से हो गई है। अधिकतर बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर खोले गए हैं। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार गाजियाबाद में 2000 के नोटों को बदलने का काम आज से शुरू हो गया है। हालांकि नोट बदलने के लिए आज यहां के बैंकों में छोटी छोटी लाइन ही नजर आई है। बैंक भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, तो वहीं नोट बदलने के लिए बैंकों में अलग से एक काउंटर बनाया गया है। हालांकि 2000 के नोटों को बंद किए जाने की घोषणा के बाद लोग जल्द से जल्द 2000 से के नोटों को जमा करना चाहते हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर इलाके के स्थित यूनियन बैंक ब्रांच की है। जाना हो और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एक हमने आदमी बैठा दिया कि उनसे बैठा के वहीं से लेंगे, वहीं से उनसे जमा कराएंगे और आदेशानुसार उन्हीं के हिसाब से जो रिजर्व बैंक ने कहा है हमें कस्टमर से आईडी नहीं लेना है, नाम लिखाना है, नाम नहीं पूछना है। जो कस्टमर का जो एक्सचेंज अलग हमने रजिस्टर बनाया है और जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनका अलग बनाया है। टोटल को हम फिगर शाम को बता देंगे। गाइडलाइंस की अगर जो बात करें तो क्या कोई गाइडलाइंस ऐसी है कि जिसमें 10,000 या 20,000 इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतनी राशि कर सकते हैं? और यदि कोई बदलने के लिए आ रहा है तो कितने रुपए तक वो 2000 के नोट देकर ब्रांच से बदल सकता है? 2000 के हम 10 नोट बदल सकते हैं। एज पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस से 2000 के 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, जमा हुआ अपने अकाउंट में कितने भी कर सकता है। दो हजार का नोट चलन से बाहर सितंबर महीने में किया जाएगा, लेकिन कई लोग अभी से इसे चलन से बाहर मानते हुए लेने तक से आनाकानी करने लगे हैं। वहीं 2000 के नोट को लेन देन को लेकर कई जगह से झड़प की भी खबरें अब सुर्खियां बनने लगी हैं। वहीं अब गाजियाबाद के वैशाली स्थित पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट लेकर आए ग्राहक को पेट्रोल पंप कर्मी अन्य दूसरे माध्यम से पेमेंट करने की बात को कहते हुए दिखाई दिए। वहीं पेट्रोल पंप पर मैनेजर का कार्य देख रहे अजय कुमार के मुताबिक लोग 2000 का नोट लेकर 100 से 200 का तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुले पैसे रिफंड करना बड़ी समस्या है और लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल पंप आनाकानी कर रहे हैं। शायद तो 2000 का लेके आऊंगा ना, और 500 का नहीं तो कहां से लेके आऊंगा 500 का? कितने का तेल डलवाना है? 300 रुपए का डलवाना है। कोई पेटीएम वगैरह बोला जा रहा है? पेटीएम है नहीं तो यूज नहीं करता। 2000 का नोट तो सितंबर में बंद हो रहा है, 30 सितंबर को क्या कह सकते हैं? दिक्कत लोगों को अभी से हो रही है, बैंक ले रहा है, बैंक थोड़ा मना कर रहा है। मान लो इनका तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, इनको थोड़ा जाना होगा, कैशियर लेके जाएगा कैश जमा करने के लिए। बैंक तो नहीं, वो बात ठीक है आपकी मैडम, लेकिन बैंक ले रहा है पैसे। सर परेशानी का सामना ये करना पड़ता है, 2000 का नोट देते हैं, 100 का पेट्रोल लेते हैं। अब उसमें हमारे को उनके लिए जो रिफंड करना होता है उसकी चेंज की बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो देता है 2000 देता है, जो देता है 2000 देता है। तो ये दिक्कत ले जाने में भी आपको समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, छोटे पैसे होते नहीं, बड़े पैसे आते रहते हैं तो दिक्कत होती है, माथा पच्ची होती है कस्टमर के साथ। कस्टमर सोचता है ये हमारे साथ दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, तो ये वाली बात। 2000 का नोट का ज्यादातर आएगा तेल ही निकलवाते हैं। अभी तक कितने लोग आए हैं जो 2000 रुपए के नोट दिया है? डेली एक लगभग 10-12 लोग ऐसे ही आते हैं, 100 रुपए का तेल डलवाएंगे, 2000 का नोट लेके आते हैं। तो ये तो सितंबर में बंद हो रहा है और चलन में है अभी तो। पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है कि 2000 के नोट ही लेके आ रहे हैं कंटिन्यू। उनको डर लग रहा है कि बंद ना हो जाए जल्दी? पता नहीं। हालांकि सरकार ने सितंबर को बोला है। हाँ, 30 सितंबर को लगभग होने वाले हैं, मगर लोगों को यही है कि अभी एक फिलहाल में बंद होने वाले हैं। तो वहीं देवरिया में गरीबों की शिकायत पर पुलिस के अधिकारी एक्शन लेना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बता दें कि 1 मार्च को लक्ष्मीना देवी को उनके पाटीदार ने मारपीट में घायल कर दिया था। यही नहीं, मारपीट में घायल लक्ष्मीना का गर्भपात हो गया और पीड़िता लक्ष्मीना का कहना है कि जब हम तहरीर लेकर मदनपुर थाने में पहुंचे तो थानेदार राजू सिंह हमारी फरियाद सुनने के पहले ही आग बबूला हो गए और हमें थाने तक से भगा दिया। फिर भी मैं अपनी वृद्ध माँ को लेकर न्याय के आस में
में लगातार थाने का चक्कर लगाती रही, लेकिन थाने से न्याय नहीं मिला। तब अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची तो वहां पर तैनात दारोगा राधा मोहन पांडे ने फरियाद सुनना तो दूर साहब से मिलने तक अलाउ नहीं किया। तीन महीना यहाँ क्या करते हैं लोग एस पी आगे मोहन सिंह पांडे बना ना तो हरदम गेट पर समझ के भगा देता ना। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने इलाके में 7 साल की मासूम को पड़ोसी ने चाकू की नोक पर अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को तहरीर में हिरासत में भी ले लिया है। वही घटना सेक्टर 58 थाना इलाके की है जहां पर 17 वर्षीय आरोपी पड़ोसी ने बच्ची के साथ चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। ये कृष्णा कॉलोनी का मामला है सेक्टर 25 का और सेक्टर 58 थाने में लगता है। एक बच्ची 7 साल की थी, अपने घर में बर्तन धो रही थी, समय 3 बजे। एक लड़का पोलर नाम का इसके घर आया और इसको चक्कू दिखा के भय दिखा के अंदर कमरे में ले गया और इसके साथ गलत काम किया। बच्ची को ब्लडिंग हो रही थी, शाम को 6 बजे उसकी मम्मी उसके पापा आए, काम किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हो गया बेटा, तो उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया, कहा जी मेरा सीढ़ी से गिर गई, मेरा फुंड सी थी, तो उसने बताया मेरा ज़्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है, वो डॉक्टर के बीके अस्पताल ले गए, बच्ची ने डॉक्टर को सारी बातें बता दी। तो वही बाराबंकी में मौसम से पहले रामनगर तहसील परिसर में अधिकारियों के समक्ष बैठक की गई है, जहां तहसील में की गई बैठक में सख्त दिशा निर्देश दिए गए। वही उप जिलाधिकारी तान्या सिंह ने सीएचसी अधीक्षक सूरतगंज, सीएचसी अधीक्षक रामनगर को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र में दवाओं का स्टॉक कंप्लीट करें। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को बाढ़ के समय साफ सफाई कराने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी रामनगर पर चिकित्सा अधिकारी सूरतगंज पशुओं को टीकाकरण भी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि आगामी बरसात के मौसम से पहले बाढ़ की तैयारियों को लेकर आज एक अधिकारियों के साथ ही समीक्षा बैठक डीएम करती हुई दिखाई दी। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के बाहर दहेज उत्पीड़न को लेकर हत्या के आरोप में लड़की के परिजनों ने लड़की के शव को रखकर थाने का घेराव किया। साथ ही पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बयान और पूछताछ के लिए कोई पुलिसकर्मी तक नहीं पहुंचे। खबर पीलीभीत से है जहां पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशा बहु और संगिनी का फरवरी महीने से लगभग 5 महीने का मानदेय नहीं दिया गया। मानदेय नहीं मिलने से आशा बहुओं का खर्च परिवार भरण पोषण को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन भी किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार ग्रुप नारायण यादव को सौंपा और अभी भी आशा बहु और संगिनी कार्य बहिष्कार पर है। मानदेय नहीं मिलने पर 2 जून के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई है। लोगों को कोई भी आशा वर्कर को कोई भुगतान मानदेय नहीं मिला और आज मैंने जो आज किया है ये डीएम साहब को एसडीएम साहब को देने के लिए ज्ञापन सौंप रही हूं और इसमें मैंने 2 जून की तारीख दी है। इस 2 जून तक अगर मेरा पैसा नहीं पड़ता है, सारा भुगतान आशाओं का नहीं पड़ता है, तो 2 जून के बाद हम सीएससी पर ताला डालेंगे। और हम सरकार का कोई पैसा नहीं आया, ना ही बढ़ा हुआ आया, ना संगिनी का पैसा आया है, इसलिए आज हम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमारा मतलब वेतन दिया जाए सभी आशाओं को। इस संबंध में आप सीएमओ से मिली थी? जी, पहले मिले थे हम एक बार, उन्होंने ये कहा था कि आपका सारा पैसा हम मतलब डलवा देंगे, आप लोग काम करो, परेशान मत हो, पैसे डलवा देंगे बस हम लोगों को। खबर और
औरैया से है, जहां जालौन चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की कार बेचने जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीती रात चोरों ने समर्थपुर गांव से घर के बाहर खड़ी कार को चोरी किया था, जिसे बेचने के लिए वो कानपुर जा रहे थे। वही चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने 25,000 का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। 23/4/23 को वादी संजीव कुमार पुत्र अर्जुन सिंह समर्थपुर, ये थाना कोतवाली औरैया में पड़ता है, यहाँ पे एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी। 20/4/23 की रात्रि को एक नई ईको गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका नंबर UP69X4296 है। इसके बरामदगी हेतु टीम्स लगाई गई थी। इसमें 2 टीमों ने लगकर काम किया और साक्ष्य संकलित करते हुए इस गाड़ी को बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में आज UPSC का रिजल्ट घोषित होने के बाद 933 परीक्षार्थियों की किस्मत जगी है। सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल परिणाम में 933 परीक्षार्थियों ने बाजी मार अपना और अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में बिजनौर के लाल विश्वजीत शौर्य ने UPSC में 126वीं रैंक हासिल कर अपना और अपने परिवार के साथ ही जनपद का भी नाम रोशन किया है। बता दें कि विश्वजीत शौर्य ने 5वें अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास की, जिसके बाद परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे ने किया, सभी के बच्चे ऐसा करें, नाम रोशन करें और अपने बिजनौर का भी नाम रोशन करें, मुझे बहुत खुशी है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम विश्वजीत सौर्यान है। बेसिक पढ़ाई कहाँ से की? जी, उसने सेंट मैरी से इंटर किया है, उसके बाद कोटा कोचिंग करने के बाद उसने बीटेक के लिए HVTI कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद उसका UPSC के माध्यम से असिस्टेंट कमांडेंट में ITBP में चयन हो गया था। उसका सपना IAS बनना था, तो उसने उससे कुछ दिन सर्विस करने के बाद रिजाइन दे दिया और UPSC की तैयारी करने लगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां सफलता की जिद ने डिप्टी कलेक्टर अभिनव द्विवेदी को IAS बना दिया। बता दें कि अभिनव ने UPSC में 137वीं रैंक हासिल की है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और UPPS में भी सफलता के अभिनव झंडे गाड़ चुके हैं। 21 साल में UPPCS और 26 साल की उम्र में IAS अभिनव ने नजीर पेश की है। अभिनव द्विवेदी मूल रूप से मथुरा जनपद के राया तहसील के रहने वाले हैं। इसी के साथ DM ने डिप्टी कलेक्टर से IAS बने अभिनव को फूल का बुके देकर बधाई दी है। सुल्तानपुर में आज 2 दिनों से गायब दलित किशोर का गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि चांदा कोतवाली के देवाड़ गांव का ये पूरा मामला है। खबर हरदोई से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। जी हां, शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 12 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा आग की चपेट में आकर एक युवक झुलस गया। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार जो है आग पर काबू पाया है। बता दें कि अरवल थाना क्षेत्र के कालिकापुरवा गांव की घटना है। प्रशासन को सूचना मिली, कलिकापुरवा गांव है, मजरा छोचपुर गांव का मजरा है, इसमें लगभग 1 बजे के लगभग आग लग गई थी। परंतु शासन प्रशासन पुलिस मौके पर भी पहुंचा और तत्काल कोशिश की गई। ग्रामवासियों के पूरे सहयोग से आग पूरी तरह से बुझा दी गई है, सब आग शांत है और करीब 10 से 12 लोगों का घरों का नुकसान हुआ है, जिसमें सामग्री जली है। उनका सर्वे करा करके जो सरकार की नीतियों के अनुसार जो भी उनको आर्थिक मदद है उनको तत्काल प्रभाव से 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनको पूरी मदद सुनिश्चित कराई जाएगी। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। बड़ा मंगल का जो उत्साह लखनऊ में दिखता है, वैसा नजारा देश में कहीं नजर नहीं आता है। मंदिरों में भीड़ तो सड़क और चौक चौराहों पर भंडारे लगे रहते हैं और भंडारों में प्रसाद के लिए भारी भीड़। वही राजधानी लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े गणमान्य सम्मिलित हुए और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। मंगलवार का तीसरा मंगलवार था, आपकी तरफ से आपके संगठन की तरफ से आयोजन किया गया है, क्या रहा है का?
जो प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु आए थे उनके अंदर कैसी उत्सुकता थी, उल्लास था? नहीं, हनुमान जी का तीसरा महामंगल भंडारा हम लोग करा रहे हैं 2015 से, और इसमें सब बड़े खुशी से सब भागीदारी करते हैं और पूरा सहयोग रहता है जनता का, और हनुमान जी की साक्षात कृपा रहती है सबके ऊपर। पर इतनी गर्मी होने के बाद भी लोग भीड़ रहती है और मेरे सब लोग प्रसाद लेने ग्रहण करने आते हैं, और हम मैंने हमारे संगठन तरफ से हमारे लोगों की तरफ से हम करते हैं कि भगवान इसी तरह सबका मैंने कल्याण करते रहें लोगों का, और ऐसे मैंने आशीर्वाद देते रहें, और हम लोग मैंने हर साल इसी तरह भंडारा हनुमान जी का करते रहें, वैसे हम चाहते हैं जनता जी। अरे संख्या मैंने हजारों की लोग हजारों की तादाद में थे सब, और सब लोगों को किया और हम बहुत अच्छा रहा सब, और काफ़ी ठीक ठाक था सब जी। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज है, जहां शाहजहांपुर में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था कर्मज्ञ ने जेठ के तीसरे मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड परिसर में धार्मिक आयोजन किया और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती उतारी गई, बच्चों को केला बिस्किट का वितरण किया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में आए भक्तों ने पूरी, आलू पनीर, कद्दू की सब्जी और हलवा भी ग्रहण किया। वही भंडारे में डॉक्टर संजय पाठक, डॉक्टर केडी सिंह, केके सिंह, अभिषेक खंडेलवाल, राजकुमार सेना समेत कई लोगों के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया गया। सिकंजी कार्यक्रम, फलों के वितरण का कार्यक्रम, हनुमान चालीसा कार्यक्रम, तमाम तरीके के कार्यक्रम जगह जगह बदल के आज भंडारा हमारा ये रोडवेज बस स्टैंड पर हो रहा है। काफ़ी बड़ा भंडारा होता है प्रतिवर्ष, ये कर्म एक संस्था है हम सब लोगों की, उसके माध्यम द्वारा प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। हनुमान जी की विशेष आस्था का दिन है मंगलवार, पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन होता है, जो भी श्रद्धालु जो आते हैं सारा भंडारे प्रसाद लेते हैं और हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं पूजा के उपरांत करने के बाद। संस्था है हमारी, इस संस्था से हर जो जेठ के मंगल आते हैं हर मंगल को जो है कहीं ना कहीं स्थान पर या भंडारा होता है या शरबत वितरण है, सिकंजी वितरण है, सोडा वितरण है, ये सारा कार्यक्रम चलते हैं। ज्येष्ठ की आज तीसरा मंगल है, तो तीसरे मंगल को यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे हर साल, ये लगभग 10-12 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और चूंकि यहाँ नीड लोगों की ज़्यादा रहती है, यात्री हैं भूखे प्यासे आते हैं, तो एक सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे आपको कूलर भी लगे मिलेंगे, पंखे भी लगे मिलेंगे, स्टॉल भी, यानी कोई असुविधा ना हो यात्री को, और वो अपना आराम से प्रसाद ग्रहण करे और जाए। ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है, तो हनुमान जी की कृपा है, उसी से ये हो रहा है। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है और बड़ा मंगल का जो उत्साह लखनऊ में दिखता है वैसा नजारा देश में कहीं नजर नहीं आता। मंदिरों में भीड़ तो सड़क और चौक चौराहों पर लगे भंडारे और भंडारों में प्रसाद के लिए भीड़ उमड़ती है। गणेशगंज अमीनाबाद रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन मित्तल परिवार की ओर से किया गया। अनुपम मित्तल ने बताया कि इस भंडारे की ये विशेषता है कि हर घंटे बदलते हुए मेन्यू कार्ड के नए नए व्यंजन का भगवान को भोग लगता है और प्रसाद भी वितरित किया गया है। भंडारे में पूरी सब्जी, मीठी बूंदी समेत कई चीजें बांटी गई हैं। तो ज्येष्ठ माह का आज तीसरा बड़ा मंगल था, जहां हर एक चौक चौराहों पर भंडारे का आयोजन किया गया था, तो वहीं मंदिरों के बाहर भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो तीसरे बड़े मंगल के आयोजन के मौके पर मंदिरों के बाहर जो है एक तरफ हनुमान के दर्शन के लिए लगातार लोगों की कतारें देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सभी चौक चौराहों पर जो भंडारे का वितरण था वो भी किया गया, भंडारा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही अमीनाबाद में मित्तल परिवार के द्वारा जो भंडारा यह आयोजित किया गया था उसमें हर एक घंटे पर मेन्यू भी चेंज होता है, जो कि भगवान को भोग लगता है, फिर वो बाकी श्रद्धालुओं के बीच भी बांटा जाता है। यूपी सरकार की ओर से जारी हुआ आदेश, नहीं रहेगा सड़कों पर किसी तरह का अतिक्रमण, ना ही रहेगा सड़कों पर किसी तरह का अवैध स्टैंड और अवैध कब्जा। सरकार का आदेश होते ही सभी विभागों ने अवैध कब्जा, सड़कों पर फैला अतिक्रमण और बिजली चोरी को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए।
राजधानी लखनऊ में यूपी के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, लेकिन सीएम के आदेश के बावजूद जिम्मेदार आंख बंद किए हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खोल रही है। यह तस्वीर है इंद्रनगर के डी ब्लॉक की, जहां घरों के अंदर खंभे लगे हुए हैं। उसके बाद उन खंभों में दौड़ रहे करंट वाले तार देखिए। इन्हीं करंट के तारों के बीच कई परिवार रह रहे हैं, जो अपनी जान को हथेली पर लिए हुए हैं। ये परिवार कब किस हादसे का शिकार हो जाए किसी को नहीं मालूम। इन्हीं लापरवाहियों को लेकर प्राइम टीवी की टीम पहले आवास विकास पहुंची, लेकिन जिम्मेदार बोलने से बचते नजर आए। उसके बाद मकान में लगे बिजली के पोल यानी कि बिजली विभाग की लापरवाही दिखी, लेकिन इस तरह के मामले में बिजली विभाग भी बचता नजर आया। उसके बाद बात आती है नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग की, लेकिन यहां भी जिम्मेदार बोलने से बचते दिखे। अब आप सोचेंगे ये खंभे और उसमें दौड़ रहे बिजली के तार केवल एक दो मकान में नहीं बल्कि 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग सभी मकानों का यही हाल है। लेकिन अब सवाल बनता है, इन तस्वीरों के बाद जिम्मेदार इसका संज्ञान लेते हैं या फिर जैसे पहले आंख बंद किए हुए थे उसी तरह आंख बंद किए रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद लगातार बिजली विभाग और नगर निगम समेत आवास विकास या फिर LDA सभी ने अवैध निर्माण के साथ साथ बिजली चोरी पर अभियान शुरू कर दिया। इसको लेकर लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन इन्हीं कार्रवाइयों के बीच हम आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं इंदिरा नगर डी ब्लॉक की। यहाँ पर लोगों के घरों के अंदर जिस तरीके से बिजली के खंभों के पोल लगे हुए हैं, जिससे हर समय लोगों को खतरा भी रहता है, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे जो आप देख रहे हैं, साफ तौर से लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ, मोहल्ला डी ब्लॉक इंदिरा नगर। जब इस मोहल्ले की तस्वीरों को लेकर के प्राइम टीवी की टीम यहां पहुंची तो यहां पर देखा गया कि लगभग ये 2 किलोमीटर का पूरा दायरा है, और इस दायरे में एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 से 50 मकान में आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से सभी मकानों के अंदर लगातार पोल लगे हुए हैं और उन्हीं के बीच से वायर दौड़ रहे हैं, और जिस तरीके से 3 मंजिला जो मकान भी बने हुए हैं लेकिन दूसरे मंजिल से ही पूरा वायर गया हुआ है, लेकिन जो खंभे लगे हुए हैं उन खंभों में जो वायर हैं उन वायरों में हमेशा करंट दौड़ता रहता है। लेकिन अगर इस बीच जो हादसा होता है तो फिर आखिर उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। इस मामले को लेकर के जब प्राइम टीवी जब जिम्मेदारों तक पहुंची, फिर चाहे आवास विकास की बात की जाए या फिर मध्यांचल विभाग की या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम या PWD, सभी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक जब टीम पहुंची बात करने के लिए तो खास कुछ जवाब नहीं मिला। अधिकारियों का साफ कहना है कि अभी इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जब कोई हादसा होगा तब देखा जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा रहा है या फिर बात की जाए, जिस तरीके से जिम्मेदारों का बयान सामने आ रहा है, जो जवाब सामने आ रहा है, क्योंकि कैमरे पर बोलने से फिलहाल कतरा रहे हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि अभी फिलहाल हादसा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से क्या जो अवैध कब्जा है या फिर जो लापरवाहियां हैं, क्या इन लापरवाहियों पर अधिकारियों ने अपनी आंख मूंद रखी है, क्योंकि जो हादसे हैं हादसों के बाद ही आखिर अधिकारी क्यों जागते हैं और कार्रवाइयों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जब हादसा ही हो जाएगा तो फिर जिम्मेदार उस पर एक्शन भी लेने के लिए लगातार दौड़ते हैं, लेकिन हादसे से पहले आखिर क्यों नहीं अलर्ट होते हैं, क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जब हादसा होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से अधिकारियों को सख्त सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन कितना हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। तो अभी आपने हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए ये समझा कि किस तरीके से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इलाके इंदिरा नगर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
उनके घरों के अंदर जो बिजली की तारें हैं वो दौड़ रही हैं और उन तारों में करंट भी दौड़ रहा है। लेकिन जो जिम्मेदारान अधिकारी है वो ये कह रहे हैं फिलहाल कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारे अधिकारी हैं वो पहले इंतजार कर रहे हैं कि भाई हादसा हो जाए, फिर उसके बाद लोगों की जान की सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल अहम हो जाता है कि अगर जो अधिकारियों के सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं तो उन तस्वीरों पर एक्शन क्यों नहीं लेते? हर बार आखिर हादसे का ही इंतजार करना क्या अधिकारियों के लिए जरूरी है? हमारे इस रिपोर्ट और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस